महाराष्ट्र के रायगढ़ में शनिवार सुबह बड़ा हादसा हो गया है। यहां के खपोली इलाके में एक बस सड़क से उतरकर गड्ढे में जा गिरी। हादसे में करीब 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि 25 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। इस दुर्घटना के ठीक बाद स्थानीय लोगों ने ही बस में सवार लोगों को बचाने की कोशिश शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वहीं पुलिस के मुताबिक निजी बस पुणे से मुंबई जा रही थी। मुंबई पुणे हाईवे पर ही सिंगरोबा मंदिर के पास ही बस नियंत्रण खोकर सड़क से उतरकर गड्ढे में जा गिरी। बस में करीब 40 यात्री सवार थे। राहत बचाव कर्मियों ने सभी घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया है। एकूण बस मध्ये 41 लोक होती, त्यातील 27 लोकांना रेस्क्यू करण्यात आलेले आहे आणि बाकीचे लोक आहेत त्यांना रेस्क्यू करण्याचं काम चालू आहे। या रेस्क्यू टीममध्ये इथली जी खोपोलीची टीम आहे साठवेलकर यांची, त्यांनी खूप चांगलं एफर्ट्स घेतलेले आहेत आणि त्याचसोबत खंडाळ्याची पण टीम या ठिकाणी आलेली आहे। त्याचबरोबर लोकल पोलीस, महामार्ग पोलीस यांनी जे इथं मदत लागते, समजा क्रेन असेल किंवा इतर काही फॅसिलिटी लागतात, तर त्या गोष्टीची इथं म्हणजे तत्परतेने मदत केलेली आहे। जसं जसं अपघात समजला त्या पद्धतीने सर्व लोक इथं मदतीसाठी आलेले आहेत। किती जण दगावल्याची शक्यता यामध्ये आहे? आमच्या अंदाजानुसार माहितीच्या आधारे 12 ते 13 या ठिकाणी लोक दगावल्याची शक्यता। देश विदेश की ताजा खबर पाने के लिए हमारे चैनल वी न्यूज को सब्सक्राइब करें व बेल आइकॉन दबाना न भूलें।